इंद्रभूषण जी, एक चुनाव तो रूपौली का हो गया उपचुनाव, उसमें ना एनडीए को कुछ मिला ना ही महागठबंधन को, लेकिन चार जगह पर उपचुनाव होना है और उसको लेकर के भी रस्साकसी तेज है। पहले एनडीए के भीतर ही ये चर्चा बहुत तेज है कि चार सीट में कहा जा रहा है कि दो बीजेपी लेगी और एक एक जेडीयू और हम पार्टी लेगी, लेकिन एक बात और भी आ रही है कि एलजेपी रामविलास भी तरारी सीट मांग सकती है। क्या कहते हैं आप? अभी अभी कुछ तय नहीं हुआ है, अभी तो अगस्त महीने में, अगले महीने में इसकी संभावना है, चुनाव की चुनाव आयोग घोषणा करेगा। अभी तो मैं लोजपा आर की कहीं कोई उसमें दावेदारी है भी नहीं, और जो मेरी जानकारी है तरारी सीट जो जिसके बारे में आप इशारा कर रहे हैं वो बीजेपी पिछली बार बड़ी थी, और मुझे उम्मीद है कि इस बार भी बीजेपी वहां से वही जो सुनील पांडे हैं उन्हीं के फैमिली को या फिर उन्हीं को लड़ाने की फिराक में है। बेलागंज सीट तो जदयू की है, इमामगंज भी जदयू के पास है, तो सब तो तय ही है, ऐसा नहीं है अभी अभी कैंडिडेट तो कुछ तय नहीं है, लेकिन इस तरफ से महागठबंधन की तरफ से वही परिवारवाद के तौर पर चल रहा है। केवल यहाँ मांझी जी अपने छोटे बेटे को चाह रहे हैं, प्रवीण मांझी को, सुरेंद्र यादव अपने बेटे को चाह रहे हैं, वहाँ रामगढ़ से तो वो तय है कि सुधाकर के भाई लड़ेंगे, जो अभी राजद से, जो भी जदयू से राजद में आए हैं। तो अभी अभी ये चर्चा है, कहीं कोई कंफर्म नहीं है, लेकिन इनके प्रवीण मांझी के खिलाफ, मतलब मांझी के बेटे के खिलाफ उदय नारायण चौधरी चाह रहे हैं चुनाव लड़ना, उसी तरह रामगढ़ में अशोक सिंह है बीजेपी के तरफ से हैं, तरारी में तो वही अभी हमने आपको बताया वो तो माले की सीट है, माले के खिलाफ खड़े होंगे सुनील पांडे या उनकी फैमिली। तो सब मोटा मोटी ये चर्चा में है, कोई अभी तय नहीं हुआ, अभी अभी समय है।